और अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां के अलीगंज कस्बे में मोहर्रम के जुलूस को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की गई। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। मौके पर एसपी साउथ, सीओ और एसडीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हैं और दोनों पक्षों को समझाकर हालात पर काबू पाया। विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हिंदू समुदाय के लोगों का डीजे बजाने को लेकर एतराज था। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये भी कहना है कि हर साल की तरह उनके ताजिए निकलते हैं, लेकिन इस बार हिंदू समुदाय और बजरंग दल के लोग उनके ताजिए नहीं निकलने दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हर फेरे बढ़िया ही होता था, मगर इस फेरे वो जो झगड़ा जो करवाने की कोशिश करी गई, उस बेस पे इन लोगों ने कुछ क्या डीजे नहीं बजेंगे, जो हम इतने बड़े हो गए आज तक डीजे से और सब बेस से मतलब बड़ा बढ़िया से त्योहार होते थे, मगर अब एकदम इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि दंगे वाला, और फिर थाने में बैठ के गलत सलत बोल रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं। हर साल से 6-7 साल से बज रहे हैं, मगर इस साल पता नहीं किस बात की इनको चिड़ हो गई, जो चिड़ के वजह से जो मतलब ये ऐसी बातें करने लगे। अब और भाईचारा जो बिल्कुल इन्होंने एक तब से खत्म करने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अलीगंज में मुहर्रम के अवसर पर डीजे को लेके एक विवाद हुआ दो पक्षों के बीच में। जो विवाद है अभी उसमें कोई भी मनमुटाव की कोई स्थिति नहीं है, आपस में दोनों पक्षों में समझौता हुआ है और जल्द ही जो ताजिए हैं उनको आगे भी बढ़ाया जाएगा और ये जो जितनी जो भी प्रक्रिया है वो आज ही समाप्त हुआ था। जैसा कि बताया है कि विवाद जो था वो डीजे को लेके था और विवाद जो है उसके अंदर समझौता हो गया, दोनों पक्ष मान गए।